मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को एक युवक अपने पूरे परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के साथ तीन बच्चे भी पानी की टंकी पर जान देने चढ़े। मामला राजधानी भोपाल के दानिश नगर होशंगाबाद रोड स्थित पानी की टंकी का है, जहां युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। युवक ने आर्थिक तंगी का भी हवाला दिया है। मिसरौत पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक किसान परिवार करीब दो घंटे बीत जाने के बाद भी नीचे नहीं उतरा। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम और मिसरौत थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम युवक से नीचे उतरने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन तक किया, लेकिन युवक टंकी से नीचे नहीं उतरा। ये करीब 11 बजे से ये टंकी पे चढ़े हुए हैं पूरे परिवार के साथ लेके। जैसा कि इनका कहना है कि इनकी जमीन पे किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो यहाँ जो संबंधित अब्दुल्लागंज के एसडीएम एसडीओपी दोनों लोग आ गए हैं और हमने इनको बोला है बार बार कि आप नीचे आ जाइए, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने को तैयार है। उसके बावजूद बार बार उड़ने के बावजूद वो नीचे आने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू टीम इसके लिए बुलाई है, एसडीआरएफ की टीम हमारे पास मौजूद है और उन्हें जैसा कि जाल वगैरह तैयार किए हुए हैं। वैसे हमारा पूरा प्रयास है कि बातचीत के माध्यम से हम उनको नीचे लेके आएं और उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण कर पाएं। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।